कर नित्य कर ही राम पद पूजा, राम भरोसे हृदय नहीं दूजा। धनु राशि के जो जातक हैं, सूर्य महाराज आपकी कुंडली के तृतीया भाव में परिवर्तन करने जा रहे हैं 14 फरवरी से। तृतीया भाव जो होता है वो आपके साहस का होता है, पराक्रम का होता है, आपकी वीरता का होता है। यहाँ पे सूर्य महाराज परिवर्तन करने जा रहे हैं। यहाँ के जो कारक देव हैं वो मंगल महाराज हैं, ये आपके मित्र भी हैं। तो यहाँ पे सूर्य महाराज क्या क्या देने जा रहे हैं और क्या क्या लेने जा रहे हैं आपसे। इनकी जो सातवीं दृष्टि है वो आपके भाग्य के स्थान पे पड़ रहा है। भाग्य, जहाँ से आपका धर्म देखा जाता है, जहाँ से आपके अच्छे विचार देखे जाते हैं, जहाँ से आपकी उन्नति देखी जाती है, यहाँ से आपका भाग्य कितना साथ देगा कितना नहीं देगा, ये सारी जानकारी एक एक करके मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। साथ ही साथ कमजोर सूर्य होने के क्या क्या लक्षण हैं, बिना कुंडली देखे आप कैसे पता करें कि आपकी कुंडली में सूर्य कमजोर हैं, तो मैं वैसे लक्षण भी बताऊंगा और साथ ही साथ सूर्य को मजबूत करने के लिए क्या उपाय किया जाए जिससे सूर्य मजबूत हो जाए, उनके लिए कौन सा मंत्र है, क्या उपाय है, ये सारी सूचना इस वीडियो में दूंगा। तो बिना स्किप किए हुए आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। जय श्री महाकाल। मैं राहुल तिवारी आप सभी का आपका अपने इस चैनल में हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्त, सूर्य महाराज आपकी कुंडली में तृतीया भाव में परिवर्तन करने जा रहे हैं। तीसरा भाव जो होता है वो आपके पराक्रम का होता है, वृद्धि का होता है, धैर्य का होता है, वीरता का होता है। तो यहाँ पे सूर्य महाराज परिवर्तन करने जा रहे हैं। बहुत सारे लोग हमें ये क्वेश्चन करते हैं कि महाराज जी आपसे मैं पर्सनली बात करना चाहता हूँ, मुझे आप अपना नंबर दे दीजिए। मैं कमेंट में वो सारी चीज़ें नहीं लिख सकता हूँ, मैं उनके लिए बता देता हूँ कि हमारा यूट्यूब की तरफ से ज्वाइन बटन मिल गया है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं और जो भी आपका पर्सनली क्वेश्चन है आप उसमें आके हमसे पूछ सकते हैं, आप उसका फायदा जरूर उठाइएगा। साथ ही साथ मैं बता दूं कि जो सूर्य महाराज ये तीसरे भाव में परिवर्तन करने जा रहे हैं, यहाँ के जो कारक देव हैं वो मंगल महाराज हैं। मंगल महाराज आपके स्वामी के मित्र हैं, स्वामी आपके गुरु महाराज, उनके मित्र सूर्य महाराज और उनके मित्र मंगल महाराज, ये तीनों आपस में मित्र हैं। तो यहाँ पे आपके वीरता में, पराक्रम में, शौर्यता में वृद्धि होने जा रही है। लेकिन आपके जो कुटुंब हैं, जो आपके भाई बंधु हैं, उनके साथ थोड़ा सा आपका अनबन रहेगा, उनके साथ थोड़ा सा विवाद बन सकता है। आपको परम सुख की प्राप्ति फरवरी महीने से स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन भाई बंधु के साथ थोड़ा सा अनबन बना रहेगा। यहाँ पे सूर्य आपका पराक्रम में वृद्धि कर रहे, जो फैसला आप लेने में अभी तक आप घबरा रहे थे, सोच रहे थे कि मैं ये फैसला लूँ कि नहीं लूँ, क्या मैं ये कार्य कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, जिस कार्य में आपको अभी तक संदेह था वो कार्य आप करने जा रहे हैं और उसमें सफलता भी मिलेगी आपको। भाई बंधु के साथ थोड़ा सा टकराव होगा लेकिन कार्य में सफलता मिलेगी, उत्साह में वृद्धि होगी, साहस में वृद्धि होगा, पराक्रम में आपके वृद्धि करने जा रहे हैं सूर्य महाराज। इनकी जो सातवीं दृष्टि है वो आपके भाग्य के ऊपर पड़ रहा है। वहां के जो कारक देव हैं वो गुरु महाराज हैं, वो अपने स्वयं के राशि पे देख रहे हैं। यहां पे आपका भाग्योदय निश्चित ही होगा, आपका जो मन है वो धर्म की तरफ ज़्यादा झुका रहेगा, धर्म के प्रति आपका आस्था बढ़ने वाला है, आप दान पुण्य का प्रमाण अपने जीवन में बढ़ाने जा रहे हो। यहाँ से आपका भाग्य पूरा साथ देगा, जो कार्य आपका रुका हुआ था उसमें आपका भाग्य प्रबल साथ देने जा रहा है। तो बिना रुके यदि आप कोई कार्य करने जा रहे हैं, नया कार्य करने जा रहे हो, तो बेझिझक होकर आप वो कार्य कर लीजिए, ऐसा सुगम अवसर आपको बार बार नहीं मिलेगा। 14 फरवरी के बाद ऐसे संयोग आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा। साथ ही साथ कमजोर सूर्य होने के क्या क्या लक्षण हैं, यदि आप बात कर रहे हो और आपके मुख से बार बार थूक निकल रहा है बात करने में, तो कहीं ना कहीं आपके जो सूर्य हैं वो कमजोर हैं। यदि आपको फैसला लेने में दिक्कत हो रही है, दूर दृष्टि में कमी आ रही है, तो आपका कुंडली में सूर्य कमजोर है। यदि आपकी आंखों की दृष्टि कमजोर हो रही है, बार बार आंखों में इन्फेक्शन हो रहा है, तो भी आपके सूर्य जो हैं वो कमजोर हो रहे हैं। यदि आपके आवाज़ में बार बार खराश आ रही है, बार बार बोलने में दिक्कत हो रही है, तो कहीं ना कहीं आपके सूर्य कमजोर हो रहे हैं। बहुत सारा मन में ये विचार आ रहा है कि ये फैसला मैं ले लूँ,
लेकिन आपके पास वो शब्द ही नहीं मिल रहे हैं कि आप उसको बयां कर सको, तो भी आपके कुंडली में सूर्य कमजोर हो रहे हैं। तो ये लक्षण हैं जो आप बिना कुंडली के आप अपने लक्षण को देख सकते हो। सूर्य को मजबूत करने के लिए क्या उपाय करें? सूर्य को मजबूत करने के लिए जो उनका मंत्र है, सबसे पहले सबसे प्यारा मंत्र, जपा कुसुम संकासम कास्य पेयम महादुतिम तमो अरि सर्व पापघ्नम प्रणतो अस्मि दिवाकरम, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हो हर रविवार के दिन। साथ ही साथ आप जब सुबह सुबह नहाते हो तो सूर्य को अर्घ देना ना भूलिएगा। यदि आप सूर्य को अर्घ देते हो गुड़ डाल के या लाल चंदन डाल के पीला फूल डाल के, इससे भी आपके जो सूर्य महाराज है वो मजबूत होते हैं। आप ओम दिवाकराय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हो, इससे भी आपके सूर्य मजबूत होते हैं। आप ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हो, इससे भी आपके सूर्य जो है वो मजबूत हो जाते हैं। रविवार के दिन यदि आप नमक का सेवन कम कर देते हैं या बंद कर देते हैं, इससे भी आपके जो सूर्य हैं वो मजबूत हो जाते हैं। तो ये सारी रेमेडी है, जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको उचित लगता है, वो उपाय आप जरूर करिएगा। साथ ही साथ यदि आपकी और भी कोई परेशानी है तो कमेंट में अपना नाम, अपनी समस्या आप जरूर लिखिएगा। जैसे ही हमें समय मिलेगा मैं आपसे संपर्क करूंगा और जो भी आपकी समस्या है उसके लिए क्या खास उपाय आपके लिए वो बताने का प्रयास करूंगा। साथ ही साथ अपने व्यक्तित्व को इतना महान बनाइए कि जो बड़े हैं वो आपसे सम्मान पा सके, जो छोटे हैं वो आपसे प्रेम कर सके और कोई भी स्त्री आपसे सहजता से बात कर सके। जय श्री महाकाल। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।